हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी है। आज ये 31 दिसंबर 2023 का लास्ट साल का आखिरी दिन। आई होप आपका ये साल अच्छा ही गया होगा। मेरा भी अच्छा ही गया था। जस्ट दिसंबर आके पता नहीं मेरे लक को क्या हुआ। ये है अपनी XL6 कार और इसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप देख सकते हो। 24 दिसंबर को मैं क्रिसमस का थोड़ा शॉपिंग के लिए बाहर गया था, तो ऑन दी वे आते वक्त एक ट्रक ड्राइवर ने उसके गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। गलती ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्रेक फेल हुआ था। उसका ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे पता था हाफ ऑफ दी वे ऑलरेडी, वो उसको मालूम पड़ चुका था कि ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे, क्लच हार्ड हो चुका है, तब भी वो गाड़ी चला रहा था। लकी था मैं कि ज़्यादा जोर से कुछ हुआ नहीं। फैमिल के साथ जा रहा था, बस एक पीछे से हिट हो गया पूरा। उसने भी बचने की कोशिश की, उसने डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन थोड़ा राइट साइड का फटका मेरी गाड़ी को लग गया। तो इसमें मुझे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन गाड़ी का नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी देखते हैं इसका क्या कर सकते। अगर आपके पास भी मारुति का गाड़ी हो, कौन सा भी, और ऐसा कुछ नुकसान हो, तो आपने क्या क्या स्टेप्स लिए मुझे ज़रूर बताना। तो आप ये देख सकते हो, ये अपनी गाड़ी का पूरा ये जो राइट साइड का व्हील का जो ऊपर का कवर है, फेंडर है, वो टूट चुका है, मतलब क्लिप से बाहर आ चुका है। और यहाँ पे भी लगा है, टूटा है। यहाँ पे भी ये जो फेंडर है वो अंदर चले गया। सबसे बड़ा डेंट तो ये है, और ये अंदर पूरा चले गया। आप देख सकते हो गैप भी कितना बड़ा है। तो राइट साइड का ये टेल लाइट, ये तो पूरा ऊपर का ग्लास चले गया, आवाज भी आ रहा है। और यहाँ पे अच्छा खासा गैपिंग हो गया, तो आप देख सकते हो नुकसान ही नुकसान। आप लोग सजेस्ट करके बताना कि मैं इंश्योरेंस क्लेम करूं या बाहर से काम कराऊं। वैसे तो मैं बाहर से, मेरा जो गैरेज है, जो पहचान वाले, उनके पास भी जाके मैं एस्टिमेट निकालूंगा। उनके यहाँ पे काम ऑलरेडी मैंने दो गाड़ी मेरे फैमिली के किया था, तो काम तो बहुत अच्छे ही करते, तो उनसे भी सजेशन ले लूंगा। आपके सजेशन का भी मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो पीछे का लुक कुछ इस तरह से, वो आके पूरा डायरेक्ट इस तरफ से ये पूरा पार्ट को जाके हिट कर दिया उसने। अभी हरियाणा का गाड़ी था, उससे कुछ ज्यादा कुछ मैं बहस नहीं कर पाया। आप लोगों के साथ अगर रोड पे ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, तो आप क्या एक्शन लेते हो और क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी चलते हैं मेरे लोकल गैरेज के पास, वहां से आप इंक्वायरी करते कि इसका क्या करना सही रहेगा, बाहर से काम करना सही रहेगा या इंश्योरेंस करना सही रहेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी पूछा है, तो उन्होंने तो इंश्योरेंस का ही बात निकाला है। तो देखते हैं, वैसे तो इसका 0 डेप्थ इंश्योरेंस है, तो काम तो इंश्योरेंस में हो जाएगा। 24 से लेके आप तक गाड़ी की ओर का, क्योंकि मुझे क्रिसमस को मार्च को जाना था, चर्च को जाना पड़ता है, और 31 को भी चर्च को जाना है, जो कि आज शाम को। तो इन छुट्टियों में अगर गाड़ी में अगर सर्विस सेंटर में दे देता, तो मेरे पास कुछ ऑप्शनल गाड़ी नहीं है। तो सोचा कि कुछ दिन रखता हूँ, 2 तारीख को जाके सर्विस सेंटर में दे दूंगा, अगर वहाँ से कराना है तो। मैं तो फिर देखते हैं बाहर से कितना खर्चा आता है। तो चलो चलते हैं लोकल गैरेज के पास। अरे सर जी, इसका भी खर्चा क्या कैसा रहेगा? अभी इंश्योरेंस है आपको? हाँ इंश्योरेंस है, 0 डेप्थ इंश्योरेंस है। सर जी आप है ना, इसको जहाँ बना लेना अच्छा है ना, हाँ कंपनी में करा, इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में करा, इंश्योरेंस में कराने से आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, ये टूटा है और लाइट का गया है, हेडलाइट भी मिल जाएगी, और टेल लाइट का बैक कवर भी मिल जाएगा, और बम्पर भी टाइट होके मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली अगर अपन बनाने जाएंगे तो? अपन बनाने जाएंगे तो इसमें 7-8 हज़ार का खर्चा है। अच्छा, मतलब 5 हज़ार के ऊपर जाएगा तो फिर वो मतलब नहीं बनता, मतलब इंश्योरेंस करना सही है। तो इंश्योरेंस में अब काम करा के ले। ये बात भी सही है, ये भी गया है। हाँ। अच्छा यार, इतना इतना आप खुल के अच्छे से सजेस्ट करो, वो सही है, कमाने को तो हम भी बैठे हैं। वो तो है, आपका जो काम होएगा वो आपको फायदा मिलेगा ना इंश्योरेंस में, नया गाड़ी। वो तो है बराबर, नया गाड़ी आप कंपनी में कराओ, वो बेस्ट रहेगा। चलेगा नहीं, ऐसा डायरेक्ट कोई बताता नहीं है कि भाई तुम जाके उधर बेनिफिट करो, हमारा काम है तो सब जन देगा, तो अपना कमाने के इसमें रहते हैं। इंश्योरेंस में कैसा है, काम होना चाहिए ना। नहीं, और मैं नॉर्मली काम भी कराने के लिए आपके पास ही आता हूँ, तो आप तो सजेस्ट।
चलो थैंक यू सो मच। ये है स्टार ऑटो गैरेज, ये धनमंडी में धनमंडी बाईपास रोड के आते ही है। तो बहुत सारी गाड़ियों का काम होते रहता है यहाँ पे, बहुत ही जेन्यून और कम प्राइस में काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल है। अब देख सकते हो पहुँचने पर पूरा हालत बेकार हो चुका है। यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग से लेकर हर एक चीज़ का काम होता है, वो भी सस्ते में। तो आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हो काम। तो अभी ऑलमोस्ट गैरेज से एस्टीमेट निकालने के बाद तो पता चला कि अभी इंश्योरेंस पे देना ही बेस्ट ऑप्शन है। ऑलमोस्ट मैंने सभी से तो 90% लोगों ने तो वही बताया कि इंश्योरेंस क्लेम करना ही सही रहेगा। तो अभी देखते कब जाने मिलता है, आज तो नहीं और कल भी नहीं होगा। तो अभी डायरेक्ट मैं 2 तारीख को जाऊँगा गाड़ी इंश्योरेंस के लिए देने के लिए। तो वो वीडियो भी ज़रूर दिखाऊँगा आपको कि क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने और क्या क्या प्रोसेस होता है और कितना दिन लगेगा गाड़ी मुझे मिलने के लिए। तो वीडियो वो भी ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स सही लगे और मुझे क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।